अब देखिए, सूर्य ग्रहण में जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण के समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके कुछ आपकी गतिविधियों को मना किया जाता है कि ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। तो इसलिए इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि जैसे छोटे बच्चों को मना किया जाता है कि वो बाहर ना जाएं, नंगी आंखों से जो है आपके सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, गर्भवती महिला को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या रीजन है कि सूर्य ग्रहण के समय ऐसा क्या हो जाता है? तो देखिए, यहां पर होता क्या है कि जिस समय सूर्य ग्रहण के समय जब कोरोना प्रभाव होता है खास तौर से, तो पूरी तरह से अगर सूर्य को, जो सूर्य है, तो सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेता है, कंप्लीटली ढक लेता है। और जब ढक लेता है तो एक तरह से सूर्य का जो प्रकाश होता है वो आ नहीं पाता, और किनारे से जो है आपके एक तरह से सूर्य का वायुमंडल जो है आपके दिखाई पड़ता है। जब किसी चीज की रुकावट होती है, जब हम किसी चीज को रेजिस्ट करते हैं, तो उसके अंदर जैसे कहा जाता है कि हर क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप किसी चीज को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उतना विरोध भी करता है। हम प्रकाश को आने से रोकेंगे तो प्रकाश और आने का प्रयास करता है। अब देखिए कैसे क्या होता है ऐसा। पृथ्वी पर जो आने वाला प्रकाश है, जैसे हम जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट है, ये 7 रंगों से मिलकर के बनी है। ये 7 रंगों का प्रकाश है जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ प्रकाश जो होता है उससे श्वेत प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट। ये क्या है? ये श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब जो धूप हम लोग कहते हैं नॉर्मल, कुछ प्रकाश ऐसा, और ये धूप जब आती है तो हमें दिखाई पड़ती है, ये दृश्य है, दिखती है। कुछ प्रकाश ऐसा होता है कि जो हमें नहीं दिखाई पड़ता, रेड के भीतर ये रेड है और वायलेट के बाहर, तो रेड के जो भीतर होता है इसको कहा जाता है इंफ्रा रेड, और वायलेट के बाहर जो होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रा रेड मतलब रेड के भीतर, इंफ्रा रेड, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट के बाहर। तो ये क्या है? श्वेत प्रकाश। तो ये एक्चुअल में लाइट होती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है पृथ्वी का, ये वायुमंडल क्या करता है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है इसकी कुछ मात्रा बाहर से ही परावर्तित कर देता है। कौन सा प्रकाश? अल्ट्रा वायलेट रेज को। ओजोन की परत जो होती है, जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन है, उसका प्रमुख कार्य क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देना बाहर से, और इंफ्रारेड और व्हाइट लाइट ये अंदर की तरफ आती है पृथ्वी की सतह पर। इंफ्रारेड जो होती है इसका एक ही सिर्फ काम होता है, पृथ्वी को गर्म करना, ऊष्मा देना। श्वेत प्रकाश का 2 काम होता है, ये पृथ्वी को गर्म भी करती है और प्लस दृष्टि भी प्रदान करती है, विजिबिलिटी भी देती है। अल्ट्रा वायलेट रेज यहीं से लौट जाती है, और ये अगर अंदर आ भी गई तो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। वजह क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज के पास बहुत ज्यादा ऊष्मा है, तो ज्यादा ऊष्मा वाला प्रकाश अगर आने लगा, टेम्परेचर भी बढ़ाएगा और ह्यूमन बींग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हर जगह पर जो है इसका इफेक्ट होने लगेगा। इवन ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर जो है आपके एक तरह से बढ़ जाएगा। तो ये जो है आपकी चीजें होने लगती हैं अल्ट्रा वायलेट के आने पर। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो नॉर्मल वे में इंफ्रारेड और व्हाइट लाइट आती है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज परावर्तित हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि चंद्रमा सामने आ गया और चंद्रमा ने इसको रोक दिया, तो अब तेजी से किनारे से होता हुआ या चंद्रमा की जो है घाटियों से होता हुआ तेज प्रकाश आगे की तरफ बढ़ता है। क्यों तेज बढ़ेगा? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पाइप से आप पानी डाल रहे हैं गार्डन में, या जो है गमलों में, या पेड़ में आपने पानी दे रहे हैं,
अगर आप उस पाइप का मुंह पतला कर देते हैं, दबा देते हैं, तो आप देखते हैं तेजी से पानी निकलने लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रास्ता कम हो गया। जब रास्ता कम हो जाएगा तो प्रेशर तेज हो जाएगा। वही चीज यहां होता है। प्रेशर तेज होने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाना, तीव्रता बढ़ जाना। वही काम यहां होता है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोकता है तो चंद्रमा के पर्वतीय क्षेत्र वाले भाग जो होते हैं वो पूरी तरह से प्रकाश को रोके हुए होते हैं, लेकिन तेजी से प्रकाश आता रहता है घाटियों वाले भाग से, तो घाटियों वाले भाग से आने वाला प्रकाश बहुत ज्यादा तीव्रता वाला होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और तीव्रता के बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से इवन अल्ट्रावायलेट रेज भी नहीं रुक पाती। अल्ट्रावायलेट रेज भी पृथ्वी की सतह पर आने लगती है, इसीलिए जो है आपके इन चीजों को मना किया जाता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेंगी? अल्ट्रावायलेट रेज के पास ऊष्मा बहुत ज्यादा है। पहली चीज होती है, जैसे बच्चे क्यों ना खेलें बाहर की तरफ, उसका दो रीजन है सूर्य ग्रहण में क्यों मना किया जाता है। पहले हम लोग देखें कि आंख पर क्या असर पड़ता है, विजिबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। जो हमारी आई है वो एक तरह से आप कहें कि जो आई है उसमें भी आगे लेंस होता है और पीछे की तरफ रेटिना होता है, तो जो लेंस है इसके अंदर से प्रकाश जाता है और प्रकाश जाता है और ये जाकर के पीछे रेटिना पर इमेज बनाता है, और जब इमेज बनाता है तो हमें सामने की चीज दिखाई पड़ती है। तो रेटिना वो जगह है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इसी सरफेस पर रहता है, आपने बायो में पढ़ा होगा, जो आपके रेटिना है, रेटिना के सरफेस पर, बाहर के सरफेस पर, अंदर के सरफेस पर आपके वहां पर क्या होता है, कोन्स और रॉड्स। कोन्स रॉड्स का क्या काम होता है? कोन्स और रॉड्स का काम यह होता है कि प्रकाश में और अंधेरे में ये अपने आप जागृत होते हैं। जैसे कोन्स है, ज्यादा प्रकाश है तो आप देखते हैं आंख थोड़ा सा आपकी वो होने लगती है, और हमारा लेंस जो है आई का वो सेल्फ एडजस्टेबल है। ज्यादा प्रकाश की तरफ आप देखेंगे तो लेंस अपने आप कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, पुतली छोटी हो जाती है, पुतली में जो लेंस है वो छोटी हो जाती है। छोटी क्यों हो जाती है? कम प्रकाश जाए, क्यों? क्योंकि प्रकाश ज्यादा है, ज्यादा ना जाने पाए, इसलिए लेंस छोटा हो जाएगा। जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हम लोग बड़ी आंख कर लेते हैं, बड़ी आंख कर लेते हैं, और लेंस भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों हो जाता है? कि जितना भी प्रकाश है वो अंदर चला जाए। तो इसलिए ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है लेंस, कभी बड़ा और छोटा होता रहता है। तो रेटिना पर जो पाए जाने वाले कोन्स और रॉड्स होते हैं, अब दिन के समय जैसे प्रकाश जब ज्यादा होता है तो कोन्स पर जाकर ये इफेक्ट डालते हैं और कोन्स इमेज बनाता है। अंधेरे में कोन्स जो है अपना काम करना बंद कर देते हैं, फिर रॉड जो है आपके एक्टिव हो जाते हैं, और रॉड एक्टिव हो जाते हैं, ये रॉड जो है प्रतिबिंब बनाना शुरू कर देता है। तो आपके रोशनी में कोन्स जो है आपके एक तरह से दृष्टि प्रदान करते हैं और अंधेरे में रॉड्स प्रदान करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज अगर किसी वजह से अंदर की तरफ चली गई तो अल्ट्रावायलेट रेज इन्हीं रॉड्स और कोन्स को नष्ट कर देती है, और रॉड्स और कोन्स नष्ट हुए नहीं कि आपकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आई, इसके मतलब आपकी रोशनी चली जाती है। इसीलिए मना किया जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय डायरेक्ट सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है वो पेनिट्रेट करके आ रही है तीव्रता के कारण, इंटेंसिटी के कारण, ओजोन भी नहीं रोक पा रहा है उसको। ओजोन इसलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि तीव्रता बढ़ गई, और तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ जाने की वजह से अब ओजोन काम नहीं कर पा रहा है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है अंदर की तरफ पेनिट्रेट करने लगती है, और वो क्या होगा, वो आपके कोन्स और रॉड को डिस्ट्रक्ट करने लगती है, आंख कमजोर हो जाती है। इसलिए नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब जब नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए तो अब कैसे देखें, या किस तरह से अगर हम सूर्य ग्रहण को देखना चाहें तो हम कैसे देखें, उसको भी हम लोग आगे चल करके पढ़ते हैं। हम इसी को कंटिन्यू करें कि जैसे आपके नंगी आंखों से हमें नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण को, उसी तरह बच्चों को बाहर जाने मना क्यों किया जाता है? दो वजह से। अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है तेजी से, बच्चों की होती है बॉडी सेंसिटिव, ऑर्गन सेंसिटिव होते हैं, वो किसी भी तरह से नुकसान पहुंच सकता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में, और बच्चे क्योंकि समझते नहीं है, अगर उनको बता भी दीजिए कि सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, आप सूर्य की तरफ मत देखना, तो खेल खेल में भूल जाएंगे और फिर सूरज की तरफ देखने भी लगेंगे। तो डायरेक्ट वो सूरज को देख भी सकते हैं खेल खेल में, इसलिए थोड़ा सा जो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते, इसलिए उनको रोका जाता है कि वो बाहर खेलने भी ना जाएं। और दूसरी चीज, उनकी बॉडी सेंसिटिव है तो अल्ट्रावायलेट रेज उनकी बॉडी को जो है आपके इफेक्ट डालती है, इसलिए बच्चों को मना किया जाता है।
गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्यों? यही रीजन है अल्ट्रावायलेट रेज इस समय आ रही हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज जो पेनिट्रेट करती हैं वो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज जब आती हैं तो हमारे माइंड को भी पेनिट्रेट कर जाएंगी, हार्ट को भी पेनिट्रेट कर जाएंगी, लीवर को भी पेनिट्रेट कर जाएंगी, किडनी को भी पेनिट्रेट कर जाएंगी। अब गर्भवती महिला के जो कोख है उसमें बच्चा पल रहा है, अब वो बच्चा 2 महीने 3 महीने 4 महीने का अभी ग्रोइंग स्टेज है, उसके अभी छोटे छोटे ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो अब यहां पर ऑर्गन्स अभी बन रहे हैं बहुत सेंसिटिव है, अल्ट्रावायलेट रेज मान लीजिए पेनिट्रेट कर गई उसके किसी भी एक ऑर्गन के पार्ट से, तो एक ऑर्गन के पार्ट से जो है चली गई, जैसे ही ऑर्गन गई वो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचा देगी। अक्सर जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं दिल में छेद है, इस तरह से सुना होगा आपने, या डिसेबल्ड हो जाते हैं माइंड के थ्रू, अगर अल्ट्रावायलेट रेज निकल गई किसी वजह से, जब माइंड बन रहा था तब कोई नस दब गई, कोई नस जो है रुक गई, कहीं से पंचर हो गई, उसी वजह से डिसेबल्ड हो गया। तो एक तरह से एक जो आपके एक तरह से कहा जाता है कि नॉर्मैलिटी जो होती है बच्चों की वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है, और महिला के पेट में जो बच्चा है वो अभी क्योंकि डेवलप कर रहा है बहुत सेंसिटिव है, एक बारीक अल्ट्रावायलेट रेज उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और पैदा होने वाले बच्चा किसी भी तरह से डिसेबल्ड हो सकता है। इसीलिए साइंटिफिकली मना किया जाता है कि अगर किसी जो है आपके महिला गर्भवती है तो वो महिला अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसको कमरे से बाहर नहीं निकल चाहिए अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है तो। उसका रीजन सिर्फ यही है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है आपके पेनिट्रेट कर जाएंगी तो कोई भी ऑर्गन्स डिस्ट्रक्ट हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ये जो है, और क्यों अल्ट्रावायलेट रेज आ पा रही हैं, रास्ता बंद हो गया चारों तरफ से, रास्ता बहुत ही लिमिटेड ओपन है जो है सूर्य के प्रकाश को आने के लिए, इससे सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्रता से आता है, इंटेंसिटी बढ़ा लेता है, और इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से, तीव्रता बढ़ाने की वजह से ओजोन ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो नहीं रोक पा रही है क्योंकि तीव्रता बढ़ गई, तो अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं रोक पाती, अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट करने लगती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण जो है आपके एक तरह से डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, बच्चों को प्रिवेंट करना चाहिए, और गर्भवती महिलाएं कमरे से बाहर ना निकले ये बोला जाता है। अब बात आती है कि अगर हमें जो है देखना है कि सूर्य का आकार क्या है, तो बहुत सारे लोग तसले में पानी भरते हैं और तसले में उसका प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं है। क्या करें? आप पिन होल कैमरा बना सकते हैं। पिन होल कैमरा आप जानते हैं, पिन होल कैमरा बहुत आसान होता है बनाना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दफ्ती का डिब्बा ले लीजिए, जैसे जूते के डिब्बे आते हैं, जूते का डिब्बा ले लीजिए, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। अब लेंथ जो लंबाई है उसमें ये या ये पीछे वाला एक जो आपका ये दफ्ती है, इस दफ्ती को काट के निकाल दीजिए, और ये दफ्ती जब आपने काट के निकाल दिया, ये वाला हिस्सा, ये पूरा, क्योंकि 6 सतहें हैं इसकी टोटल डिब्बे की, 6 सतहें हैं, एक हिस्सा हमने यहां से काट के निकाल दिया। अब ये काट के निकाल दिया, इसके ऊपर क्या किया हमने, एक हल्का पेपर, राइस पेपर या ट्रांसपेरेंट पेपर जो ट्रेसिंग पेपर होता है वो ला करके लगा दिया, और ट्रेसिंग पेपर लगाने के बाद जो सामने वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा छेद कर दिया। अब यहां पर ट्रेसिंग पेपर लगा है, उसके जस्ट सामने वाले पर छेद है। अब पिन होल कैमरा कैसे काम करता है देखिए, अगर आपको देखना है बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए पिन होल कैमरा आप बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं और उसको कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। पिन होल कैमरा आपने बना लिया, एक कैंडल लीजिए, कैंडल को जला दीजिए, ये कैंडल जल रही है, जब कैंडल जल रही है आपने कैंडल को जला दिया, लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए एकदम, जब अंधेरा आप कर देंगे तो ये जो है आपके इस छेद से होकर के इधर और ये इधर ऐसे आएगा, इसकी रोशनी आएगी, ऐसे रेज आएंगी, और ये रेज क्या करेंगी, यहां पे उल्टी प्रतिबिंब बना देंगी।
तो लॉ जो आपके ऊपर की ओर है ये नीचे की तरफ दिखाई पड़ने लगेगी। अंधेरे कमरे में अगर आप जो है हैं, तो अपने आप ये छोटे से छेद से ये जो आपकी इमेज है लॉ की, वो फ्लेम जो है ये फ्लेम आपको यहां पर दिखने लगेगा इस स्क्रीन पे। तो सिंपली आप बना करके इसको देख सकते हैं और बहुत उम्दा बनता है ये और टाइम भी नहीं लगता है। अब जब ये बना लिया आपने तो यही काम हम क्या करेंगे सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय क्या करेंगे, हम सूर्य को नहीं देख रहे हैं डायरेक्ट, हम इसको देख रहे हैं, हमने इसको क्या कर दिया डिब्बे को उधर कर दिया, बाकी हम इसको देख रहे हैं सामने, डिब्बे को उसके सामने कर दिया सूर्य के सामने, सूर्य का जो आकार होगा वो अपने आप यहां पर बन जाएगा, कितना कटा है, कितना दिख रहा है, कोरोना का प्रभाव, कोरोना वाला इफेक्ट है कि बेली बीट्स का इफेक्ट है कि डायमंड रिंग की अवस्था है, सब दिखेगा, सारी चीज जो है यहां पे आपको इमेज के फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज दिखने लगेगा। तो जो फ्लेम है उसका इमेज आपको पर्टिकुलरली दिखने लगता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो इसलिए जब भी हम जो है आपके इस तरह की जो है स्थिति होती है, मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण हुआ या ये हुआ, तो इसके लिए क्या करिए, पिनहोल कैमरा बना लीजिए, सबसे सेफेस्ट तरीका, और आपको हर पोजीशन पे हर तरह से आपको सारी चीजें खुद ब खुद दिखने लगेंगी, और सूर्य ग्रहण की अवस्था क्या है, सूरज किस तरह से दिख रहा है, किस आकार में दिख रहा है, किस शेप में दिख रहा है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं इस पिन होल कैमरा में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सूर्य का ये प्रभाव होता है। अब देखिए, ये तो था सूर्य ग्रहण के बारे में, अब हम आते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण में क्या था, जैसे सूर्य ग्रहण को हमने क्या कहा था, सूर्य ग्रहण को कहा था सूर्य का ग्रहण लग गया, सूर्य का अपहरण हो गया। यदि दिन के समय सूर्य दिखाई पड़ता है, यदि दिन के समय सूर्य न दिखे, सूर्य को जिसका अपहरण कर लिया जाए किसी के द्वारा, तो हम ये कहेंगे कि सूर्य दिखना बंद हो गया, और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये सोलर एक्लिप्स है। चंद्रमा क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण जो है जब चंद्रमा आपको दिखाई पड़ रहा है, दिखता हुआ चंद्रमा रात्रि के समय गायब हो जाए, दिखता हुआ कंप्लीट चंद्रमा अगर रात के समय गायब हो जाए और ना दिखे, और फिर जो है कुछ समय बाद फिर से दिखना शुरू हो जाए, तो उतने समय के लिए चंद्रमा का क्या हो गया, अपहरण हो गया, चंद्रमा को ग्रहण कर लिया गया। तो इसलिए हम चंद्र ग्रहण कहने लगते हैं उसको। तो जब चंद्रमा कुछ समय के लिए रात्रि के समय दिखना बंद हो जाता है, जब पूरा चंद्रमा दिख रहा है लेकिन रात्रि के समय कुछ समय के लिए आपके चंद्रमा दिखना बंद हो गया, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण की अवस्था। ये चंद्र ग्रहण की अवस्था होती है जो कि पाई जाती है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण में क्या होगा, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है, सूर्य के प्रकाश की ओर जो आधा भाग पृथ्वी का है वहां दिन है, बाकी इधर रात है। सूर्य के प्रकाश की ओर जो चंद्रमा का आधा भाग है वहां दिन है, पीछे रात है। और अब आप देखेंगे कि जो सूर्य से जाने वाला प्रकाश है, जो चंद्रमा को यहां चमका रहा था, चंद्रमा पे दिन था, यहां से जाने वाला प्रकाश, ये यहां से जाने वाला प्रकाश, जिसकी वजह से यहां दिन था, यहां पर अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, और आगे बढ़ने वाला प्रकाश जो है इसी के द्वारा रुक जाएगा पृथ्वी के द्वारा, और पृथ्वी की छाया यहां पड़ने लगेगी, आगे कोई प्रकाश जाएगा ही नहीं क्योंकि सामने पृथ्वी आ गई। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है और सूर्य से चंद्रमा की ओर जाने वाला प्रकाश रुक जाता है, तो चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की छाया बनने लगती है, और चंद्रमा की सतह पर जब पृथ्वी की छाया बनने लगती है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है जो कि आपके यहां पर पाई जाती है। तो चंद्र ग्रहण की अवस्था में क्या होगा, चंद्र ग्रहण की अवस्था आप देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की अवस्था यह है कि चंद्रमा दिखता हुआ चंद्रमा दिखना बंद हो जाए, और इसमें क्या होगा, पृथ्वी बीच में होगी। कब होगा ऐसा, चंद्र ग्रहण की स्थिति यह है, जैसे सूर्य है बीच में आ गई पृथ्वी और यह है चंद्रमा, तो चंद्रमा जब यह है तो सूर्य का जो है आपके जो प्रकाश आ रहा था उसने इस पृथ्वी के प्रतिबिंब को डाला चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा दिखना बंद हो गया, चंद्रमा की स्थिति नहीं दिख रही है।
अब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और ऐसी, और जब पृथ्वी बीच में होती है और चंद्रमा और सूर्य दोनों अलग अलग, दोनों विपरीत ओर होते हैं, तो ऐसी अवस्था क्या होती है? पीछे लौटे, ये अवस्था क्या थी? अगर सूर्य ये है, चंद्रमा ये है और पृथ्वी यहां है, तो ऐसी कंडीशन में जब चंद्रमा यहां होता है तो यहां से देखने पर चंद्रमा का आकार कैसे बन रहा था? चंद्रमा का आकार ये, तो ये कौन सी रात होती है? पूर्णिमा की रात्रि। पूर्णिमा के समय जब पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो उस समय, तो पूर्णिमा के समय जब चंद्रमा दिखना बंद हो जाए तो उसी अवस्था को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की रात्रि सदैव पूर्णिमा की रात्रि होगी। जैसे सूर्य ग्रहण की रात्रि सदैव क्या होता था? अमावस्या की रात्रि होती थी, वैसे ही चंद्र ग्रहण की रात्रि सदैव पूर्णिमा की रात्रि होती है। हर चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा की रात्रि होगी, लेकिन क्या हर जो है पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर पूर्णिमा को कोई जरूरी नहीं कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो सकता है सूर्य यहां है, चंद्रमा यहां है, पृथ्वी यहां है, लेकिन रात कौन सी होगी? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की रात्रि होगी, क्योंकि यहां से देखने पर आपको ये प्रकाश वाला भाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए ऐसे कंडीशन में जो है कि पूर्णिमा के समय कोई जरूरी नहीं कि तीनों एक सीधी रेखा में हो, इसलिए हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो हर जो है आपके एक तरह से चंद्र ग्रहण की रात्रि पूर्णिमा की रात्रि जरूर होती है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो इसलिए चंद्र ग्रहण की रात्रि सदैव जो है आपके एक तरह से पूर्णिमा की रात्रि होगी, जैसे सूर्य ग्रहण की रात्रि सदैव जो है आपके जो है अमावस्या की रात्रि होती है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण की रात्रि सदैव पूर्णिमा की रात्रि होगी। अब देखिए, जब हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो चंद्र ग्रहण में क्या है? सूर्य है, यह सन है, यह पृथ्वी है अर्थ, और यह है मून। अब पृथ्वी को चंद्रमा इधर खींच रहा है या सूर्य इधर खींच रहा है? तो पृथ्वी को, यह पृथ्वी है, सूर्य का इधर और चंद्रमा का इधर बल लग रहा है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। और विपरीत दिशा में बल लगने की वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? विपरीत सिजिगी। जैसे सूर्य ग्रहण को का दूसरा नाम क्या था? संयुक्त सिजिगी, कंजंक्शन सिजिगी। वैसे ही अब यहां पर क्या है कि चंद्र ग्रहण की रात्रि जो आपके है वो पूर्णिमा की रात्रि है, अर्थात पूर्णिमा का समय है, पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस समय आप देखेंगे विपरीत दिशाओं में चंद्रमा और सूर्य बल लगा रहे हैं। और ये चंद्रमा और सूर्य के द्वारा लगाया गया बल भी अलग अलग सतह पर लग रहा है, इसलिए दोनों का आपस में एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए चंद्रमा अलग प्रभाव डाल रहा है, सूर्य अलग प्रभाव डाल रहा है, दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है अलग अलग सतह पर। तो इस समय जो है आपके एक तरह से विपरीत दिशा में, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बल कार्य कर रहा है, इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या है कि इसको विपरीत सिजिगी के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य ग्रहण को जैसे आपने नाम क्या दिया था, तो सूर्य ग्रहण को आपने नाम दिया था संयुक्त सिजिगी का, वैसे ही चंद्र ग्रहण को नाम क्या दिया जाता है? विपरीत सिजिगी का। तो विपरीत सिजिगी की अवस्था होती है जो कि चंद्र ग्रहण की अवस्था जो है मानी जाती है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण के समय भी पृथ्वी की सतह पर अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को चंद्रमा इधर और सूर्य इधर खींचेगा, लेकिन सूर्य जो खींच रहा है वो अलग जल को खींच रहा है, चंद्रमा जो खींच रहा है वो अलग जल को खींच रहा है, इसलिए इधर भी ज्वार आएगा, इधर भी ज्वार आएगा, दोनों तरफ ऊंचे ज्वार आएंगे, क्योंकि कोई बल एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग सतह पर लग रहे हैं, अलग अलग विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसलिए जल इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा। इसलिए इस समय भी, चंद्र ग्रहण के समय भी ऊंचे ज्वार आते हैं पृथ्वी पर। तो ऊंचे ज्वार की स्थिति, उच्च ज्वार की स्थिति क्या होती है? जब हम ये कहते हैं कि जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ये सब एक सीधी रेखा में होते हैं, जब ये एक सीधी रेखा में होते हैं, एक रैखिक अवस्था में होते हैं, तो उस समय पृथ्वी पर सर्वाधिक बल कार्य करता है, और इसी वजह से उच्च ज्वार की स्थिति होती है। और जब भी पृथ्वी
चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होंगे या लगभग एक सीधी रेखा में होंगे। तो जैसे सीधी रेखा में है तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है, लगभग एक सीधी रेखा में है तो आप ये कह सकते हैं कि सीधी रेखा में तो नहीं है लेकिन लगभग सीधी रेखा में है तो सूर्य जो है आपके पूर्णिमा और अमावस्या का समय होता है। तो इसलिए इन चार अवस्थाओं में ऊंचे ज्वार आते हैं। ऊंचे ज्वार क्यों आएंगे? क्योंकि अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण के समय भी अगर देखें तो उस समय भी पृथ्वी की सतह पर जो पृथ्वी पर बल लग रहा है, चंद्रमा इधर खींच रहा है और सूर्य भी इधर खींच रहा है, तीनों एक सीधी रेखा में है, इसलिए एक एक ही दिशा में बल कार्य कर रहा है और एक ही दिशा में लाइन ऑफ एक्शन एक है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम है। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? Fm प्लस Fs, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये अधिकतम बल होता है जो कि रिजल्टेंट फोर्स के रूप में जाना जाता है। रिजल्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही सतह पर लग रहा है, एक ही जगह पर लग रहा है पृथ्वी के, तो एक ही जगह पर दोनों बल लग रहे हैं, इसलिए यहां पर ओवरऑल बल जितना लग रहा है वही क्या हो जाता है? रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, उसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण की बात है तो चंद्र ग्रहण में आप ये नहीं कह सकते कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में जो आपके बल लग रहा है वो दोनों अलग अलग सतहों पर लग रहा है, इसलिए परिणामी बल की बात ही नहीं है। ये इस सतह पर ये बल है, इस सतह पर ये बल है, दोनों एक दूसरे का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जो है सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि दोनों अलग अलग सतहों पर बल लग रहा है। तो यहां पर जितना बल लग रहा है उतना ही बल लगेगा, चंद्रमा सूर्य के द्वारा लगाया गया जल, यहां पर कितना लगे? चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल, चंद्रमा वही जो है आपके बल होगा। इसका मतलब यहां पर रिजल्टेंट कुछ नहीं निकलेगा, रिजल्टेंट तब होगा जब किसी एक सतह पर दो बल कार्य करे, लेकिन एक सतह पर एक एक बल कार्य कर रहा है, तो यही रिजल्टेंट भी हो गया सूर्य इस दिशा में, यही रिजल्टेंट भी हो गया जो चंद्रमा पर बल लग रहा है। इसलिए ऐसी अवस्था में क्या है कि चंद्र ग्रहण के समय भी जो है आपके सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं क्योंकि एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सूर्य ये है, पृथ्वी ये है, चंद्रमा ये है, लेकिन तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है, उस समय क्या होता था? पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि, इस समय सूर्य यहां है, पृथ्वी की ये सतह को ये खींच रही, मान लीजिए चंद्रमा यहां है, चंद्रमा भी खींच रही, लेकिन तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है। हो सकता है सूर्य यहां है, हो सकता है चंद्रमा जो है आपके यहां है और पृथ्वी यहां है, पृथ्वी और सूर्य इसी सतह पर है लेकिन चंद्रमा यहां है, लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गया, तो एक लाइन ऑफ एक्शन दोनों बल का नहीं रहा। तो इसलिए जबकि सूर्य ग्रहण में क्या होगा? सूर्य ग्रहण के समय दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो जाएगा, जिधर सूर्य खींच रहा है उधर ही जो है आपके चंद्रमा भी खींच रहा है। इसके मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन में चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल और सूर्य के द्वारा लगाया गया बल दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय ये अमावस्या के समय क्या है कि पृथ्वी की सतह पर बल लग रहा है, सूर्य के द्वारा लगाया गया बल और चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए इसकी तुलना में यह बल कम होगा रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि सतह पर जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो यह मैक्सिमम हो जाएगा जो Fm प्लस Fs है। लेकिन यहां पर क्या होगा तो ये आपके एक तरह से Fm Fs जो आपके लग रहा है ये लाइन ऑफ एक्शन इसका अलग है, इस वजह से इसका बल जो हो जाएगा ये कंपैरेटिवली अगर हम कहेंगे तो ये कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ये कहें, उसी तरह से अगर पूर्णिमा के समय है तो पूर्णिमा के समय पृथ्वी ये है तो पृथ्वी पर लगने वाला जो ये बल है अगर आप कहें तो सूर्य के द्वारा लगने वाला बल और चंद्रमा के द्वारा लगने वाला बल ये है, अलग अलग सतहों पर लग रहा है, यहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं और इस सतह पर इसका कोई प्रभाव नहीं, दोनों अलग अलग सतहों पर बल कार्य कर रहे हैं, इसलिए विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल जो हो जाएगा वो आपके डिफरेंट होने लगेगा। तो इसलिए चाहे वो चंद्र ग्रहण हो और या फिर विपरीत स्थिति हो, दोनों ही कंडीशन में बल कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है लेकिन एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालता। अब देखिए ये तो कंडीशन थी हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण के समय जो है आप ये कह सकते हैं कि सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं,
और उसके अलावा ऊंचे ज्वार की कंडीशन चार होती है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा बल कार्य करता है। तो देखिए अब बात आती है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की, और इसी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार ज्वार को जो है आपके किस तरह से डिफाइन किया जाता है ये पहले समझ लें। एक होता है उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, जिसको हम हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं। एक होता है दीर्घ ज्वार और एक होता है लघु ज्वार। दीर्घ, लघु, उच्च और निम्न। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च ज्वार जिसको कहा जा रहा है वही दीर्घ ज्वार है, ऐसा लगता है। निम्न ज्वार जो है वही लघु ज्वार है, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है। दीर्घ ज्वार नीप टाइट और लघु ज्वार स्प्रिंग टाइट, स्प्रिंग टाइट, नीप टाइट नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए ये क्या है, पहले ये समझ लीजिए, ज्वार की कंडीशन पहले समझ लीजिए। यह है मान लीजिए एवरेज सी लेवल। पहले हम लोग देखें उच्च ज्वार होते क्या है, हाई टाइड। निम्न ज्वार क्या होते हैं, लो टाइड। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की कंडीशन क्या होती है? जब कभी चंद्रमा अथवा सूर्य के द्वारा लगाया गया बल, अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, चंद्रमा अथवा सूर्य, अभी हम लोग स्पेसिफिक चीज नहीं कह रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ आगे चल करके चंद्रमा ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, अभी आ रहा है आगे। तो चंद्रमा अथवा सूर्य के द्वारा लगाया गया बल अगर पृथ्वी की सतह पर ऐसा लगे कि जिसकी वजह से समुद्र का जल समुद्र से तट की ओर खींचने लगे, समुद्र से तट की ओर खींचने लगे, तो तट की ओर जब खींचेगा तो ये लेवल ऊपर आ जाएगा, और समुद्र का जो तल है वो पहले की तुलना में ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो लेवल यहां चला गया। तो पहले ये था एवरेज सी लेवल, ये हो गया, उड़ गया, इसे हाई टाइड कहते हैं, उच्च ज्वार कहा जाता है। तो उच्च ज्वार क्या है, उच्च ज्वार एक प्रक्रिया का नाम है, ज्वार एक प्रक्रिया का नाम है। ज्वार के मतलब क्या होता है, ज्वार के मतलब ये होता है कि जब समुद्र का जल तटीय क्षेत्र की ओर खींचने लगे, जिसकी वजह से समुद्र का तल उठ जाए, तो उठे हुए समुद्र तल को उच्च ज्वार कहते हैं। ज्वार एक प्रक्रिया है और उच्च ज्वार क्या है, तल का नाम है। समझिए प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समुद्र का जल तट की ओर भागने लगे। जब समुद्र का जल तट की ओर भागेगा तो यहां तक पानी था, अब यहां तक पहुंच गया, तो अंदर तक आ गया पानी, तो ये अंदर तक पानी आ गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, समुद्र का तल पहले इतना था अब इतना हो गया। तो ये अवस्था, जिस अवस्था के अंतर्गत जल समुद्र से स्थल की ओर आकर्षित होने लगता है, इस प्रक्रिया को ज्वार कहा जाता है, और ज्वार के समय समुद्र तल उठ जाता है, उठे हुए समुद्र तल को उच्च ज्वार कहते हैं। क्लियर है, फिर समझ लीजिए, ज्वार एक प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस है, और जबकि उच्च ज्वार क्या है, तल को कहा जाता है, सी लेवल को। तो औसत सी लेवल ये है, एवरेज सी लेवल, ये पानी यहां तक उठा था। अब हमने क्या कहा, अब हमने ये कहा कि वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समुद्र का जल
समुद्र के से तट की ओर जो है आपके आकर्षित होता है, जिसकी वजह से समुद्र का जल तटीय क्षेत्र में भीतर चलता चला आता है, और ऐसी अवस्था में समुद्र तल उठ जाता है। उठे हुए समुद्र तल को क्या कहा जाता है? उच्च ज्वार, हाई टाइड। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया हाई टाइड, ये हाई टाइड की अवस्था है। फिर वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समुद्र का जल तट से समुद्र की ओर भागे, वापस जाए, इसका मतलब ये उतर गया पानी, वापस जा रहा है। अभी क्या था? अभी समुद्र का जल तट की ओर आ रहा था, अब तट से दूर जा रहा है। किसी ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समुद्र का जल तट से दूर जाए, इस प्रक्रिया को जो है आपके कहा जाता है भाटा। ये ज्वार हो गया, टाइड्स हो गया। ये हो गया टाइड्स, ये हो गया एब, ज्वार और भाटा। तो ज्वार की कंडीशन क्या है? ज्वार एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समुद्र का तल समुद्र से जल तट की ओर आ रहा है। फिर भाटे की प्रक्रिया, भाटे की प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समुद्र का जल समुद्र से तट की ओर जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तट से समुद्र की ओर जाता है, वापस लौटता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है भाटा। और भाटे की प्रक्रिया में क्योंकि समुद्र तल नीचे चला आया, इसलिए सी लेवल गिर जाएगा, सी लेवल नीचे चला आएगा। पहले सी लेवल ये था, एवरेज सी लेवल, अब सी लेवल गिर के यहां आ गया। तो ये जो गिरा हुआ तल है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहने लगेंगे लो टाइड। तो औसत समुद्र तल से उठ जाए तो उच्च ज्वार हो जाएगा, औसत समुद्र तल से गिर जाए निम्न ज्वार हो जाएगा। लेकिन उच्च ज्वार की कंडीशन क्या होगी? कब होगा? ज्वार के की कंडीशन में। और निम्न ज्वार क्या होगा? जो निम्न ज्वार की कंडीशन होगी, लोड कंडीशन कब होगी? भाटे की कंडीशन में। तो ज्वार की कंडीशन में उच्च ज्वार आता है, भाटे की कंडीशन में निम्न ज्वार आता है। उच्च ज्वार के मतलब समुद्र का जल समुद्र से तट की ओर आता है, समुद्र तल उठ जाता है, उठे हुए समुद्र तल को उच्च ज्वार कहते हैं। जब समुद्र का जल वापस जाता है, इस प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। भाटा की अवस्था में समुद्र तल गिर जाता है, गिरे हुए समुद्र तल को निम्न ज्वार कहते हैं, लो टाइड कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो लो टाइड हाई टाइड कैसे बना? अब देखिए, समझने वाली बात यह है, समुद्र तल जो उठ रहा है वो किसी बल से उठ रहा है। तो अगर कहीं पर जल उठता है तो कहीं ऑटोमेटिकली अपने आप गिर जाता है, तो गिरा हुआ समुद्र तल अपने आप होता है। लेकिन उठता किसी बल की वजह से, खिंचाव जो होता है वो किसी बल की वजह से होता है। अब वापस जब लौटता है तो पानी वापस चला जाता है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इसलिए जब उठा तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? इसका कारण है, क्या कारण है? बल लगना। अब बल अगर लग रहा है तो उच्च ज्वार की कंडीशन कितनी तरह से हो सकती है? उच्च ज्वार की कंडीशन तीन तरह से हो सकती है। कैसे? दिमाग में सिंपल सा सोचिए, अगर ज्यादा बल लगेगा ज्यादा समुद्र तल उठ जाएगा, कम बल लगेगा कम समुद्र तल उठेगा, औसत अगर बल लगेगा तो औसत उठेगा। समुद्र तल का उठना उच्च ज्वार है। उच्च ज्वार कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। उच्च ज्वार कब होगा? जब जल ज्यादा उठ जाएगा, इसके मतलब ज्यादा बल लग रहा है। जल कम उठेगा जब कम बल लग रहा है, और जल औसत उठेगा जब औसत बल लग रहा है। तो इसके मतलब कि ज्वार की कंडीशन में उच्च ज्वार तीन प्रकार के होते हैं। तो उच्च ज्वार तीन प्रकार के कैसे होते हैं? दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड, लघु ज्वार, नीप टाइड, और औसत ज्वार जो कि आपके एवरेज टाइड होता है। तो उच्च ज्वार तीन तरह के,
तो उच्च ज्वार या तो दीर्घ ज्वार होगा, घन समुत्तल उठेगा, दीर्घ मतलब लंबा बड़ा, तो ज्वार ज्यादा लंबे होते हैं, लघु मतलब होता है छोटा, छोटे ज्वार होते हैं, और औसत मतलब औसत, दोनों के बीच की औसत। तो इसलिए ज्वार के समय समुद्र तल उठता है, डिपेंड करेगा कि कितना बल लग रहा है, ज्यादा बल लगेगा तो ज्यादा उठ जाएगा, कम बल लगेगा कम उठेगा, औसत बल लगेगा औसत उठेगा। तो उच्च ज्वार की कंडीशन में या ज्वार की प्रक्रिया के दौरान उच्च ज्वार जो आते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, वही दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार और औसत ज्वार होते हैं। अब सिविल में आपके एक प्रश्न पूछा गया, लघु ज्वार के समय समुद्र तल क्या होगा? समुद्र तल उठ जाएगा औसत से ज्यादा, समुद्र तल गिर जाएगा, समुद्र तल उठता गिरता रहेगा, तो लघु ज्वार के समय क्या होगा? अगर निम्न ज्वार कहता तब तो समुद्र तल नीचे गिर जाता, लेकिन लघु ज्वार कह रहा है तो नॉर्मली आदमी सोचता है कि लघु ज्वार मतलब लो टाइट को ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लघु ज्वार कौन सी कंडीशन को कहा जा रहा है? लघु ज्वार ऐसी कंडीशन कहा जा रहा है जब बल कम लगता है और समुद्र तल कम उठ पाता है। तो लघु ज्वार की अवस्था में भी समुद्र तल उठ रहा है, दीर्घ ज्वार में भी समुद्र तल उठ रहा है, औसत ज्वार में भी समुद्र तल उठ रहा है। तो उच्च ज्वार तीन प्रकार के हुए, हाई टाइड को ही आप तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक हो गया स्प्रिंग टाइड दीर्घ ज्वार, एक हो गया औसत ज्वार एवरेज टाइड, और एक हो गया नीप टाइड दैट इज लघु ज्वार। तो हाई टाइड को ही आप, जो हाई टाइड क्या था, ज्वार की प्रक्रिया के समय समुद्र तल का उठ जाना, उठे हुए समुद्र तल को उच्च ज्वार कहा जाता है, हाई टाइड। उच्च ज्वार तीन तरह से हो सकते हैं, ज्यादा बल लगेगा तो ज्यादा ऊंचा उठेगा, इसलिए दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइड, औसत बल लगेगा औसत उठेगा, और कम बल लगेगा तो कम बल जो है समुद्र तल उठेगा, जो कि नीप टाइड या फिर जो है आपके लघु ज्वार के अंतर्गत होता है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लघु ज्वार और निम्न ज्वार में। निम्न ज्वार में तो गिरता है समुद्र तल, तो पूछ रहे थे लघु ज्वार में क्या होता है, समुद्र तल उठेगा गिरेगा क्या है? उठेगा उसमें भी, लघु ज्वार में भी उठता है, लेकिन लघु ज्वार के समय जो उठने वाला जो आपके ज्वार है वो क्या है, ये आपके कम मात्रा में उठता है। क्यों? अब हम ये कह रहे हैं कि तीन तरह की कंडीशन होती है, एक जब बहुत बल लगे, बहुत ज्यादा समुद्र तल का उड़ जाना, ये है स्प्रिंग टाइड दीर्घ ज्वार। एक जब बहुत कम बल लगे तब स्थिति, और बाकी समय औसत बल लगता रहता है। तो अब देखिए ये स्थिति कब आती है, ये तीनों स्थिति हम पढ़ने जा रहे हैं कब आएगी, दीर्घ ज्वार कब आएंगे, लघु ज्वार कब आएंगे, और जो है आपके औसत ज्वार कब आएंगे। इसको हम लोग फिर वापस चलते हैं चंद्रमा की कलाओं में। फिर आते हैं यहीं पे वापस, अब इसमें देखते हैं जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होगा, लगभग एक सीधी रेखा में होगा, इसके मतलब सूर्य यहां है पृथ्वी यहां है, ये तो फिक्स है, चंद्रमा या तो यहां हो या यहां हो। चंद्रमा अगर यहां है तो दो कंडीशन हो सकती है, अमावस्या या सूर्य ग्रहण। चंद्रमा अगर यहां है तो दो कंडीशन हो सकती है कि चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा। तो जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो चाहे एक ही तरफ हो और चाहे दूसरी तरफ हो, दूसरी तरफ है तो दोनों अलग अलग बल पे जो है खींचते हैं, इधर भी जल खींचेगा इधर भी जल खींचेगा, तो इसलिए ज्यादा जल खींच जाता है, इसीलिए दीर्घ ज्वार होते हैं, सबसे ज्यादा बल इसी चार कंडीशन में लगते हैं। तो चार अवस्थाओं में सबसे ज्यादा बल कार्य करते हैं, इसीलिए दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइड उसी समय आते हैं। कब? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा। पृथ्वी पर सबसे कम बल कब कार्य करता है? पृथ्वी पर सबसे कम बल तब कार्य करता है जब पृथ्वी की सतह पर जो पाया जाने वाला बल है, जल है, इस पर बल जो है वो 90 डिग्री पर काम करने लगे। चंद्रमा के द्वारा लगने वाला बल और सूर्य के द्वारा लगने वाला बल अगर 90 डिग्री पे वर्क कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में सबसे कम बल लगेगा, परिणामी बल इधर हो जाएगा। वजह क्या होता है, यहां का जो जल है वो कुछ इधर भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है, इसलिए बहुत ऊंचा नहीं खींच पाता,
परिणामी बल, क्योंकि दोनों के बीच में आएगा, वो इतना ज्यादा नहीं खींच पाता कि जो है आपके बहुत ज्यादा जल को ऊपर उठा दे। तो इसलिए जब 90 डिग्री पर यह होगा सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, तो ऐसी कंडीशन में आपके एक तरह से कहेंगे कि हम सबसे कम बल कार्य करता है। ये अवस्था कब आती है? जब सूर्य और पृथ्वी, तो ये है, चंद्रमा यहां हो या यहां हो, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ये 90 डिग्री पर हो गए, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ये 90 डिग्री पर हो गए। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ऐसी कंडीशन में सबसे कम बल कार्य करता है। और ये कब, ये अवस्था कब आती है? अर्ध चंद्रमा कब होता है? अमावस्या से पूर्णिमा तक कितना समय होता था? 14 दिन। तो आधा होने में कितना समय लगेगा? 7 दिन। इसी तरह से ये सातवें या अथवा आठवें दिन ये कंडीशन आती है, उसी तरह से यहां से भी सातवें अथवा आठवें दिन ये कंडीशन आएगी। तो इसका मतलब पृथ्वी पर सबसे कम बल कार्य करता है। पूरे महीने में अगर हम देखेंगे तो दो बार, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण या तो हो, दो कंडीशन, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अगर नहीं है तो अमावस्या और पूर्णिमा के समय दीर्घ ज्वार आएंगे। चार बार मैक्सिमम आ सकते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अमावस्या पूर्णिमा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक महीने में सूर्य ग्रहण भी हो जाए, चंद्र ग्रहण भी हो जाए, पूर्णिमा भी हो, अमावस्या भी हो। अब पूर्णिमा और अमावस्या तो होना है ही है, लेकिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा है, तो इसलिए कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा चार बार किसी भी महीने में, किसी भी माह में उच्च दीर्घ ज्वार की घटना घटित होगी। क्योंकि दीर्घ ज्वार मैक्सिमम फोर्स कब कार्य करेगा? दो बार अथवा चार बार, दो बार अथवा तीन बार अथवा चार बार, कम से कम दो बार, अधिक से अधिक चार बार। फिर जैसे मान लीजिए आपका ये है अमावस्या के सातवें अथवा आठवें दिन या पूर्णिमा के सातवें अथवा आठवें दिन, ये माह में कितनी बार हो रहा है? दो बार। दो बार ऐसी कंडीशन होती है, अमावस्या के सातवें अथवा आठवें दिन या पूर्णिमा के सातवें अथवा आठवें दिन। तो पूरे माह में दो बार ही ऐसा होगा कि जो पृथ्वी पर सबसे कम बल कार्य करेगा, और बाकी हर समय पूरे महीने औसत बल कार्य करता रहेगा। तो औसत बल जो है वो आपके कार्य करता रहता है। तो इसीलिए जो बल कार्य करता है, मैक्सिमम फोर्स जो आपके लगता है ये चार कंडीशंस में लग सकता है, मिनिमम फोर्स सिर्फ महीने में दो बार लगता है यहां और यहां चंद्रमा के होने पर, और बाकी हर समय, हर समय, हर सेकंड औसत जो है बल की स्थिति होती है। इसलिए जब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, और जब दीर्घ ज्वार औसत ज्वार और लघु ज्वार की बात करेंगे, तो दीर्घ ज्वार कब होगा? स्प्रिंग टाइड कब होगा? दीर्घ ज्वार की घटना कब घटित होगी? तो दीर्घ ज्वार की घटना तब घटित होगी जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, चार कंडीशन में। नीप टाइड लघु ज्वार कब होगा? दो बार, अमावस्या अथवा पूर्णिमा के सातवें अथवा आठवें दिन, जब चंद्रमा का आकार अर्धवृत्त के आकार में हो जाता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण अमावस्या तथा पूर्णिमा के सातवें अथवा आठवें दिन दो बार जो है आपके ये कंडीशन आती है, और बाकी हर समय पृथ्वी पर औसत ज्वार चलते रहते हैं, इसलिए औसत जो है जल का तल उठता है। तो अब इसी जो है आपके बल को अगर हम लोग देखें, तो इसमें क्या सबसे प्रमुख चीज आती है, या क्या सबसे प्रमुख चीज देखने को मिलती है? इसको देखिए, ज्वार में अब देखिए यहां पे है, जब हम कह रहे हैं कि दीर्घ ज्वार की जो है घटना, तो दीर्घ ज्वार की घटना जब होती है, हमने कहा चार अवस्थाओं में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा। लघु ज्वार जो कि आपके नीप टाइड के रूप में जाना जाता है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड हम लोग कहते हैं, तो लघु ज्वार की घटना क्या होती है? ये आपके पूरे माह में दो बार ही होगी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या के सातवें अथवा आठवें दिन, और बाकी हर समय ये स्थिति होती है। तो जब दीर्घ ज्वार आते हैं, समुद्र तल बहुत ऊंचा उठ जाता है, तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ये लहरों को दिखाया गया है, तब मैक्सिमम समुद्र की लहरें 15 से 20 मीटर तक ऊंची उड़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स कार्य कर रहा है। फिर लघु ज्वार के समय अगर आप देखें, तो ऐसी कंडीशन में जो स्थिति होती है, उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें, तो यहां पर जो है आपके औसतन जो समुद्र की लहरें उठती हैं समुद्र में, वो 8 से 10 मीटर तक उठती हैं,
और ये कब होता है? सिर्फ दो ही अवस्था में होता है, और बाकी हर समय पृथ्वी पर औसतन ऊंचाई समुद्र तल में जो लहरें उठती रहती हैं वो 10 से 15 मीटर तक, तो ये औसतन बल कार्य करता रहा है, औसतन इस तरह से आपके ये होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहां से जो आपके दीर्घ ज्वार है, दीर्घ ज्वार के समय क्या होता है, समुद्र जितना ऊपर उठता है उतना नीचे गिरता भी है, ज्यादा उठेगा ज्यादा गिरेगा। लघु ज्वार में क्या है, लघु ज्वार में जो है आपके समुद्र तल कम उठता है कम गिरता है, और औसत ज्वार में औसत औसतन ऊंचाई उठेगा औसतन ऊंचाई गिरेगा। अब देखिए दोनों को कंपेयर करिए, कथन कारण का आपके क्वेश्चन आता है सिविल में। अब सिविल में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, रटा ना हो आपको। जैसे प्रश्न क्या आया, दीर्घ ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर होता है, ये स्टेटमेंट था। दीर्घ ज्वार का उच्च ज्वार, दीर्घ ज्वार है स्प्रिंग टाइड, उसका उच्च ज्वार हाई टाइड, क्योंकि हाई टाइड ये तीनों हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो ज्वार आता है तो ज्वार के समय समुद्र तल उठ जाता है, उठे हुए समुद्र तल को उच्च ज्वार कहते हैं। अब वो कितना उठा है वो डिपेंड करेगा बल पे, तो ये हाई टाइड की ही कंडीशन है तीनों। तो हाई टाइड के समय जब, अब यहां पर क्या है अगर हम इसको डिफाइन करें तो देखिए, दीर्घ ज्वार को डिफाइन करें तो दीर्घ ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर होता है, तथा निम्न ज्वार से औसत, औसत निम्न ज्वार से निम्नतर होता है। तो उच्च द्वार उच्चतर होता है औसत से, और निम्न ज्वार निम्नतर होता है यह है आपके औसत से। लघु ज्वार में उल्टा हो जाता है, लघु ज्वार में लघु ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से निम्नतर होता है, और लघु ज्वार का निम्न ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर होता है। तो औसत ज्वार से ही कंपैरिजन किया जा रहा है, इसका भी इसका भी। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सिंपली यह है कि दीर्घ ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर होगा, उच्चतर मतलब ऊपर होगा, और दीर्घ ज्वार का निम्न ज्वार औसत ज्वार के निम्न ज्वार से निम्नतर होगा। उच्च ज्वार उच्चतर, निम्न ज्वार निम्नतर, यहां पे उल्टा हो गया। लघु ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से निम्नतर होता है, तो उच्च ज्वार निम्नतर हो गया, और लघु ज्वार का निम्न ज्वार औसत ज्वार के निम्न ज्वार से उच्चतर होता है। तो औसत ज्वार के, औसत ज्वार के उच्च ज्वार और निम्न ज्वार से ही तुलना की जा रही है। तो जब, अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उच्च ज्वार निम्न ज्वार के जो है तुलना में, तो जिस ज्वार का उच्च ज्वार उच्चतर और निम्न ज्वार निम्नतर होता है वो दीर्घ ज्वार कहलाता है। जिस ज्वार का उच्च ज्वार निम्नतर और निम्न ज्वार उच्चतर होता है उसे लघु ज्वार कहते हैं। तो औसत ज्वार से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है आपके कंडीशन होती है दीर्घ ज्वार औसत ज्वार और लघु ज्वार के। तो ये स्टेटमेंट आपके आया था और ये स्टेटमेंट ट्रू था, दोनों स्टेटमेंट ट्रू था, क्योंकि दीर्घ ज्वार के समय उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से उच्चतर और निम्न ज्वार औसत ज्वार के निम्न ज्वार से निम्नतर होता है। लघु ज्वार के समय लघु ज्वार का उच्च ज्वार औसत ज्वार के उच्च ज्वार से निम्नतर होता है, तथा निम्न ज्वार लघु ज्वार का निम्न ज्वार औसत ज्वार के निम्न ज्वार से उच्चतर होता है। तो ये जो है आपके स्टेटमेंट दोनों सही थे और यही स्टेटमेंट आपके दिया गया था। तो अगर इसको थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो इसको जो है आपके अगर ध्यान से देख लेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाती, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसानी से इजिली आप इन सभी चीजों को जो है आपके पता कर सकते हैं। अब देखिए ये तो ज्वार की कंडीशन है, अब ज्वार के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी से
ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। सूर्य का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, मास मून का, मास सन का, दूरी डिस्टेंस ये है स्मॉल डी है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम अगर हम देखें, सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल, सूर्य के द्वारा लगाया गया बल ये क्या हो जाएगा, जी एम वन एम टू इंटू अपॉन डी का स्क्वायर। तो एम ई ये हो गया एम एस, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल जो है, जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी मात्रा हम कैसे निकालेंगे, दो द्रव्यमानों का गुणनफल अपॉन जो दूरी है उसका वर्ग। इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर कितना बल लगा रहा है, फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगाइए, जी एम ई एम एम अपॉन डी स्क्वायर, डी स्मॉल डी ये मान लिया। अब अगर इस दोनों फॉर्मूलों को देखें और इसका अगर हम जो है चंद्रमा सूर्य के द्वारा लगाया गया बल और चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल को हम अनुपात निकालें, तो एफ एम इज टू एफ एस अगर निकालें तो आप देखें ये और ये कॉमन है। जब अनुपात निकालेंगे तो ये क्या कट हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, एम एम अपॉन डी स्क्वेयर और एम एस अपॉन डी स्क्वेयर। अब देखिए ये एफ जो है वो समानुपाती है द्रव्यमान, और F जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। समानुपाती द्रव्यमान के मतलब ये हुआ कि अगर हम चंद्रमा की तुलना में सूर्य के द्रव्यमान को अगर हम 100 गुना मान लें कि चंद्रमा की तुलना में 100 गुना है, तो चंद्रमा की तुलना में सूर्य का द्रव्यमान भी 100 गुना, बल जो है वो भी 100 गुना हो जाएगा क्योंकि एफ एम के समानुपाती है। तो अगर द्रव्यमान सूर्य का चंद्रमा की तुलना में 100 गुना कर दें तो चंद्रमा के पर के द्वारा लगाए गए बल की तुलना में सूर्य के द्वारा लगाया गया बल भी 100 गुना हो जाएगा। अगर इसका 50 गुना अगर हम द्रव्यमान कर दें तो 50 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चाहे जितना गुना करिए एफ एम के बराबर है, लेकिन ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी बहुत ज्यादा काउंट कर रही है, वर्ग के अनुपाती मतलब अगर हम कहें कि पृथ्वी की तुलना, पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है उसकी तुलना में अगर ये 100 गुना दूरी है, या आप इससे कहेंगे इसकी तुलना में ये 2 गुना दूरी है, तो बल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अगर इसकी तुलना में ये 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर 1/9 गुना बल हो जाएगा। तो इफेक्टिव कौन है ये, और जब इसका भी इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, क्योंकि इस दूरी की तुलना में यह दूरी बहुत नगण्य है। और ये सब दूरी पढ़ चुके हैं आप, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी थी, कितना पढ़ा था आपने, 1 AU के बराबर 14,96,00,000 किलोमीटर। ये 14,96,00,000 किलोमीटर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आप मान सकते हैं। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी यह भी आप पढ़ चुके हैं 3,84,800 किलोमीटर। तो 3,84,800 किलोमीटर को लगभग 4 लाख मान सकते हैं, ये 15 करोड़, ये 4 लाख, 15 करोड़ की तुलना में 4 लाख क्या है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है। इसलिए जब वैल्यू इसकी आप यहां पुट करेंगे तो ये रेशियो क्या निकलता है, 11:5, क्योंकि सारी वैल्यूज पता है आपको, द्रव्यमान भी सूर्य और चंद्रमा का पता है उसको लगा रख दीजिए, दूरी भी पता है वो भी रख दीजिए, तो आपको जब ये बल निकालेंगे तो 11:5 के मतलब अगर सूर्य के द्वारा लगाया गया बल 5 न्यूटन का है तो उसी समय चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाता है, 11 न्यूटन का हो जाता है। तो ये 11 न्यूटन का बल होता है जो कि आपके लगता है, इसके मतलब दिन की तुलना में, सूर्य की तुलना में चंद्रमा ज्यादा बल लगाता है। इसलिए जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है उसका प्रमुख कारण क्या है, सूर्य है या चंद्रमा, चंद्रमा है। तो चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल जो होता है ये दुगने से ज्यादा होता है, 11:5 के रेशियो में होता है। इसीलिए रात में कंपैरेटिवली ज्यादा ऊंचे जो आ रहे हैं दिन की तुलना में,
दिन की तुलना में अगर हम कहें तो दिन की तुलना में अगर हम देखें तो रात में ज्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं, तो ये ज्यादा ऊंचे ज्वार होंगे जो आपके आएंगे। तो इसलिए अगर हम देखें तो जितने भी आपके ये ज्वार की कंडीशन होती है या जो भी ज्वार की कंडीशन होती है, तो इसमें जो है आप देखें तो ये चीज जो आपको डिफाइन किया गया 11:5 रेशियो, तो चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल सूर्य के द्वारा लगाए गए बल की तुलना में ज्यादा होता है। इसीलिए अब आप इसको जो है आपके एक तरह से वो कर लीजिए, जैसे दिन के समय कभी समुद्र के किनारे जाइए, समुद्र के किनारे आप जाकर के बैठे हुए, मान लीजिए यहां तक पानी की लहर आ रही है, आप यहां पे बैठ गए थोड़ी दूर पे, तट है ये पूरा, आप देखेंगे यहां तक लहरें आती हैं भाग वापस चली जाती हैं, फिर लहरें आती हैं यहां से वापस चली जाती हैं। जैसे जैसे शाम होने लगेगी, शाम में आप देखते हैं कि लहरें बढ़ने लगती हैं, जो यहां तक आ रही थी अब यहां तक आने लगी, आप तक आने लगेगी, आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे थोड़ी देर बाद फिर आप तक आने लगेगी, फिर आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे थोड़ी देर फिर आपके तक आने लगेगी, फिर आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, इसके मतलब लहरें अब बहुत अंदर तक आने लगती हैं। तो रात्रि के समय क्योंकि आकर्षण बल चंद्रमा का बढ़ जाता है सूर्य की तुलना में, इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो है जल का तल उठता चला जाता है, इसलिए दिन की तुलना में रात दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। कभी अगर आपका मुंबई जाना हो तो आपने देखा होगा कि समुद्र में हाजी अली शाह बाबा की मजार है। हाजी अली शाह बाबा की मजार पे जब आदमी जाता है तो दिन के समय आदमी सब लोग जाते हैं, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाते हैं। रीजन क्या है? यही है, ज्वार उसका रीजन है। तो दिन के समय ज्वार कम होता है, इसलिए जो मजार से तटीय क्षेत्र तक जाने के लिए रास्ता बनाया गया है उसमें पानी नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगेगी वो पानी से भरने लगेगा और पूरा रास्ता पानी से डूब जाता है, पानी भर जाता है उसपे। क्यों पानी भर जाता है? क्योंकि सी लेवल रेस कर गया, समुद्र तल क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसीलिए हाजी अली शाह बाबा की मजार पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे शाम होने से पहले ज्यादातर लोग वापस आ जाते हैं या वहां से जो है वापस कर दिए जाते हैं, जिससे कि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ ना लगे और रास्ता बंद होने से पहले सब लोग वापस आ जाए। रास्ता किस तरह बंद होता है? समुद्र तल अपने आप ऊपर आ जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? इसी वजह से। या कभी भी समुद्र के किनारे जाइए, अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। दिन के समय जाके समुद्र के किनारे बैठिए, कहां तक पानी आ रहा है ये देखिए, और शाम में जब आप आएंगे कहां तक पानी आ रहा है, अपने आप आपको जो है ये चीज पता चल जाएगी। तो इसलिए ये जो आपकी स्थिति है, जो आपके अगर आप देखें तो चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल कंपेरेटिवली ज्यादा होता है सूर्य की तुलना में, इसलिए चंद्रमा ज्यादा प्रभावशाली है ज्वार आने के लिए बनिस्बत जो है सूर्य के। इसलिए अगर कहा जाए कि ज्वार के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ज्वार प्रमुख रूप से चंद्रमा के कारण आता है, क्योंकि वो बल ज्यादा कंपेरेटिवली लगा रहा है। अब आइए थोड़ा सा दूसरा फैक्ट, ज्वारभाटिक घटना कितनी देर में घटित होती है। ज्वारभाटिक घटना कितनी देर में घटित होती है? तो एक थ्योरी है न्यूटन का, इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या है यह समझ लीजिए, अर्थ है बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए इसके ऊपर जल है, जल है। अब देखिए क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार कब आते हैं? चंद्रमा के कारण, जिधर चंद्रमा होता है और चंद्रमा के विपरीत भी आता है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां है, तो ऐसी कंडीशन में बल इधर लग रहा है, तो ये वाला जल का भाग उड़ जाएगा। जब ये तल उड़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो जल का भाग एक्स्ट्रा बढ़ा है ये कहीं से कंपनसेट करेगा ना,
कहीं अगर जल का भाग उठाए तो कहीं ना कहीं गिरेगा, तो जब ये उठता है तो इसको यहां पे गिरना पड़ता है, ये यहां गिर जाता है, और जब यहां पे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली ये सामने जो है इसके थोड़ा सा उत्थान हो जाएगा। तो ये जो है जैसे ही चंद्रमा ने खींचा, इधर जल का भाग उठा और इसके उठने की वजह से ये दबा, और इसके दबने की वजह से ये अपने आप उठ गया, इसके मतलब अब केंद्रीय बल लग गया। तो न्यूटन का इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या कहता है, संतुलन का सिद्धांत क्या कहता है, कि जब चंद्रमा बल लगाता है तो उसके विपरीत एक अप केंद्रीय बल कार्य करने लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से यहां अगर ज्वार आएगा तो यहां पर ज्वार आएगा, तो अगर ज्वार यहां आ रहा है तो यहां पर भी आएगा, और यहां का जल क्योंकि नीचे गया है यहां भाटा आएगा, यहां भाटा आएगा इसके 90 डिग्री पर, तो दो जगह पर ज्वार की घटना घटित होगी और दो जगह भाटे की घटना घटित होगी। तो अब कितनी देर बाद जो है ज्वार आना चाहिए, तो अब यहां से अगर मान लीजिए पृथ्वी कुछ इस तरह से घूम रही है, पृथ्वी घूर्णन गति ये है, और पृथ्वी के घूमते घूमते जैसे सपोज कर लिए कि ये किसी के चंद्रमा के सामने जो है आपके ये भाग जब आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में या चंद्रमा जो है मूव कर रहा है, तो चंद्रमा जो है 24 घंटे में आपके एक तरह से जैसे पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए जो समय लेता है उसको अगर हम लोग देखें तो वो आपका जो है पूरा लगभग 28 दिन लेता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में जो है घुमाती है। तो अगर हम ये कहें ये मुंबई है सपोज कर लीजिए, ऐसे समझिए अर्थ रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ऐसे घूम करके ये वापस कितनी देर में आएगा, 24 घंटे में, तो 24 घंटे में ये यहां वापस आएगा। तो मुंबई जब 24 घंटे में यहां वापस आएगी तो इसके मतलब कि 24 घंटे में जब ये हुआ तो उतनी ही देर में चंद्रमा भी तो अपनी कक्षा में चल रहा है, तो जितनी देर में मुंबई यहां वापस आएगी उतनी देर में चंद्रमा कुछ आगे पहुंच जाएगा अपनी कक्षा में, इसलिए ज्वार यहां नहीं आएगा और आगे आएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में देखिए क्या है, यहां ज्वार है, यहां ज्वार है, यहां भाटा है, यहां भाटा है, यहां से यहां तक पृथ्वी को पूरा घूमने में कितना देर लगता है, 24 घंटा, यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा, 12 घंटा, यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा, 6 घंटा, क्योंकि टोटल घूमना 360 डिग्री घूमता है कितनी देर में, 24 घंटे में, तो यहां से यहां तक आया अगर मुंबई तो ये क्या हुआ, 180 डिग्री घूमा आधे देर में, और यहां से यहां तक आने में मुंबई ये 6 घंटा लगेगा। तो यहां पर अभी ज्वार था, मुंबई अगर यहां पर आएगा रोटेट करके 6 घंटे बाद पृथ्वी घूम रही है, मुंबई की स्थिति यहां हो जाएगी, वो वहां पहुंचेगा जहां पर भाटा आ रहा है। तो यहां पर ज्वार था अगर, तो इसके 90 डिग्री पर ये क्या था, ये भाटा था, ये भाटे की जो है आपकी स्थिति थी, लेकिन जितनी देर में मुंबई यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में चंद्रमा अपनी कक्षा से आगे बढ़ जाता है, इसलिए अब क्या है, अब यहां पर ज्वार आ रहा है, यहां पर ज्वार आ रहा है इसके विपरीत, और इसके विपरीत 90 डिग्री पर यहां पर भाटा आएगा और यहां पर भाटा आएगा, इसलिए भाटा मुंबई को यहां पहुंच करके नहीं मिलेगा, मुंबई को और आगे चलना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पर कितना समय लगता है, यह लगता है 13 मिनट का समय एक्स्ट्रा, 13 मिनट आपके लगता है, तो 6 घंटा यह लगा और 13 मिनट ये, जब 13 मिनट बाद जब मुंबई यहां पहुंचेगी तब इसको भाटा मिलेगा ये वाला। अब यहां से 6 घंटे बाद यहां पहुंचना चाहिए, ज्वार मिल जाएगा, जब फिर से 6 घंटे बाद मुंबई यहां पहुंचेगी, तो 6 घंटे बाद जब यहां पहुंचेगी तो ऐसी कंडीशन में उतनी देर में चंद्रमा फिर आगे बढ़ जाएगा, जब आगे बढ़ जाएगा तो स्थिति रहेगी कि ज्वार यहां नहीं यहां आ रहा है, इसलिए मुंबई को यहां से यहां तक आगे आना पड़ेगा, इसको चलने में फिर 13 मिनट लगेगा, तो 6 घंटे 13 मिनट के बाद इसको फिर ज्वार मिलेगा, तो ज्वार के बाद 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा मिला था, भाटा के 6 घंटे 13 मिनट बाद फिर ज्वार मिल रहा है, फिर ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद ये भाटा मिलेगा, इसके मतलब 6 घंटा 13 मिनट 24 घंटे 52 मिनट में
किसी स्थान पर दो बार ज्वार, दो बार क्यों ज्वार, एक बार चंद्रमा के सामने जाने की वजह से, एक बार चंद्रमा के विपरीत जाने की वजह से, अब केंद्रीय बल की वजह से दो बार ज्वार और दो बार भाटे की घटना घटित होती है। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट में दो बार जो है आपके एक ज्वार से दूसरे ज्वार या एक भाटे से दूसरे भाटा अगर जाए तो यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा, तब इसका आधा समय लगेगा 12 घंटा 26 मिनट। तो एक ज्वार से दूसरा ज्वार आने में या एक भाटा से दूसरा भाटा आने में कितना लगता है, 24 12 घंटा 26 मिनट। और अगर हम कहें एक ज्वार से भाटा या भाटे से ज्वार आने में कितना समय लगता है, तो इसका आधा कर लीजिए 6 घंटा 13 मिनट। इसके मतलब किसी स्थान पर अगर ज्वार आ रहा है तो 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आएगा, फिर उसके 6 घंटे 13 मिनट के बाद फिर ज्वार आ जाएगा, फिर उसके 6 घंटे 13 मिनट के बाद फिर भाटा आ जाएगा, फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद ज्वार आ जाएगा। इसका मतलब 24 घंटे 52 मिनट में किसी भी स्थान पर चार बार जो है आपके इसकी ज्वार भाटे की घटना घटित होती है, दो बार ज्वार दो बार भाटे आते हैं 24 घंटे 52 मिनट में। या दो ज्वार के बीच अगर समय पूछा जाए या दो भाटे के बीच समय पूछा जाए तो 12 घंटे 26 मिनट, या एक ज्वार से एक भाटे के बीच में या एक भाटे से एक ज्वार के बीच में अगर समय पूछा जाए तो 6 घंटा 13 मिनट का समय लगता है। तो इसलिए अब देखिए फैक्ट को देखें, ये क्या कह रहा है, ड्यूरेशन बिटवीन टू टाइड्स और एब्स, दो ज्वार या दो भाटे के बीच में समय कितना लगता है, 12 घंटा 26 मिनट, इक्विलिब्रियम थ्योरी से निकला। 24 घंटे 52 मिनट में दो बार ज्वार दो बार भाटे आते हैं, इसीलिए अब देखिए 24 घंटे 52 मिनट में दो बार ज्वार दो बार भाटे हर जगह पर आएंगे, लेकिन पृथ्वी की सतह पर दो ऐसे स्थान है जो अपवाद स्वरूप है, अपवाद एक्सेप्शन, एक हुगली एक थेम्स। इंग्लैंड का साउथहैम्पटन नामक स्थान जो है वो अगर कहें, इंग्लैंड है ये, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, और इसी के नीचे यहां पे ये फ्रांस है, यहीं पे साउथहैम्पटन नामक स्थान है इंग्लैंड का। साउथहैम्पटन नामक स्थान पर दो बार ज्वार दो बार भाटे की जगह चार बार ज्वार चार बार भाटा आता है, यहां पर चार बार ज्वार चार बार भाटे की घटना घटित होती है साउथहैम्पटन नामक स्थान पर। तो साउथहैम्पटन नामक स्थान अपवाद स्वरूप ऐसा स्थान है विश्व में जहां दो बार ज्वार दो बार भाटे घटना 24 घंटे 52 मिनट में होती है, लेकिन यहां चार बार ज्वार चार बार भाटे आते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा जो है दावा करने का वो किया कि ये है इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, इधर है उत्तरी सागर नॉर्थ सी, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था दो बार ज्वार दो बार भाटे जो है आपके इंग्लिश चैनल की वजह से आते हैं इसमें, और दो बार ज्वार दो बार भाटे जो है आपके उत्तरी सागर की वजह से आते हैं। तो यहां पर प्रश्न फिर उठता है, वैज्ञानिकों ने उनसे प्रश्न किया कि अगर यहां ऐसा हो रहा है तो यहां क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, यहां क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, यहां क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, किसी दूसरे तट पर क्यों नहीं हो रहा है कि इधर से भी दो बार ज्वार दो बार भाटे आए, इधर से भी दो बार ज्वार दो बार भाटे आए, सिर्फ एक ही स्थान पर क्यों ऐसा हो रहा है, हर स्थान पर होना चाहिए, हर जल संधि में होना चाहिए ऐसा, क्योंकि जल संधि क्या करती है, दो बड़े जल के भाग को जोड़ती है, तो दो बार इधर से दो बार इधर से दो बार इधर से दो बार इधर से, इसके मतलब चार बार ज्वार बार भाटे इधर से चार बार ज्वार भाटे इधर से आने चाहिए। तो ये जो है आपके जो है अपवाद स्वरूप स्थान है जिसका कोई भी जो है थ्योरी क्लियर नहीं है कि क्यों ऐसा होता है कि साउथहैम्पटन नामक स्थान विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दो बार ज्वार दो बार भाटे आते हैं। फिर बात आती है कि ज्वार भाटा खुली जगहों पर आता है, खुली जगह मतलब समुद्र में, किसी नदी में नहीं आएगा, किसी जो है आपके झील में नहीं आएगा, तालाब में नहीं आएगा। क्या कभी आपने किसी झील तालाब और किसी जगह पर ऐसा देखा है कि तालाब के किनारे आप खड़े एकदम से उसका पानी उठे और उठ करके गिरने लगे, या झील का पानी एकदम से उठे और उठ करके गिरने लगे, कभी नहीं होगा। क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप किसी बल की बात करते हैं
जैसे तालाब की बात कर रहे हैं, ये तालाब जो है कम जल का भाग है। अब यहां पे चंद्रमा बल जरूर लगा रहा है लेकिन पानी नहीं उठ पा रहा है। अगर ये समुद्र होता, पूरा समुद्र है, तो जैसे ही चंद्रमा ने बल लगाया थोड़ा थोड़ा पानी उठ गया और समुद्र का तल उठ गया। लेकिन खुले जल में ऐसा हुआ, बंद जल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वजह क्या है? नदियों में क्यों नहीं ज्वार आते, तालाबों में क्यों नहीं आते, झील में क्यों नहीं आते? इसका रीजन यही है। आपने दो तरह के बल पढ़े होंगे, एक असंजक बल, एक ससंजक बल। ससंजक बल कोहेसिव फोर्स जिसको कहा जाता है, और असंजक बल जिसको कहा जाता है एडहेसिव फोर्स। वो क्या है? ससंजक बल जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या है? एक जैसे परमाणुओं के बीच में लगने वाला बल। जैसे जल का कण, ये भी जल का कण, ये भी, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, ये ससंजक बल हुआ, कोहेसिव फोर्स। जब हम एडहेसिव फोर्स की बात करते हैं, असंजक बल, तो ये मान लीजिए ठोस है, पत्थर है, जमीन का कण है, और ये जो है जल का कण है। ये दोनों अलग अलग कण हो गए, इनके बीच में आकर्षण हो या फिर इनमें विरोध हो तो ये असंजक बल कहलाते हैं। दो भिन्न भिन्न कणों के बीच में, जैसे किसी ठोस जमीन और पानी। तो अब होता क्या है कि अगर बंद जो है जल का भाग होता है या छोटा जल का भाग होता है, तो वहां पे ये असंजक बल जो होते हैं, एडहेसिव फोर्स, ये बहुत काम करते हैं। एडहेसिव फोर्स कैसे काम करेंगे? जो स्थल का मॉलिक्यूल्स है, परमाणु है, और जल का जो मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे को इतनी कस के पकड़े रहता है कि ये इन कणों को ये जाने ही नहीं देगा एडहेसिव फोर्स की वजह से। और जिसकी वजह से यहां खिंचाव तो हो रहा है, यहां वाला कण खिंचता, लेकिन ये कण जब छूटेगा तब इसको ये छोड़ ही नहीं रहा है, इसलिए ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। आगे तब ये बढ़ता जब ये इसकी सतह से थोड़ा थोड़ा जल का खिसकाव होता और अच्छा खासा जल ऊपर की तरफ उड़ जाता। अगर खिंचाव बल का हो, यहां का कण थोड़ा सा खिसक जाए, ये थोड़ा सा खिसक जाए, ये थोड़ा सा खिसक जाए, तो अपने आप खिसकते खिसकते अपने आप जल का तल यहां पे उड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा खिसकाव भी अगर होगा, लेकिन यहां खिसकाव होने नहीं दे रहा है, ये कण को पकड़े हुए है, जिसकी वजह से अब आगे वाला कण भी पकड़ा रहेगा, आगे वाला कण भी नहीं जाएगा। फिर जब असंजक बल जो है आपके प्रभावशाली हो जाते हैं, ससंजक भी हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि ये कण इसको छोड़ के चला जाएगा या पानी बीच में दरार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो ये जो है आपके यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो असंजक बल की वजह से छोटे जगह पर ज्वारभाटे नहीं आते। लेकिन हुगली नदी, थेम्स नदी, विश्व की दो ऐसी अपवाद स्वरूप नदियां हैं जहां ज्वार आते हैं। थेम्स जहां पे लंदन बसा हुआ है, इंग्लैंड में थेम्स नदी बहती है, थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है। जैसे इंडिया में हुगली नदी है, हुगली नदी के किनारे जो बसा हुआ है ये कोलकाता कोलकाता बसा हुआ है। तो हुगली नदी में भी ज्वार आता है, थेम्स नदी में भी ज्वार आता है, लेकिन क्यों आता है आज तक कोई नहीं बता पाया। तो ये अपवाद स्वरूप दो नदियां हैं विश्व की केवल एकमात्र, बाकी किसी भी विश्व की किसी नदी में ज्वार नहीं आता। तो ज्वार की घटना जो है आपके किसी भी नदी में, किसी तालाब में, किसी झील में नहीं आपके पाई जाएगी, सिर्फ हुगली और थेम्स नदी में पाई जाती है। फंडी की खाड़ी, यह है कनाडा के तटीय क्षेत्र में, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार, अक्सर पूछता है विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहां आते हैं, तो यही फंडी की खाड़ी में आते हैं, फंडी बे में। तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार ये आपके आते हैं। फिर कम से कम दो बार और अधिक से अधिक चार से पांच बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना एक साल में घटित हो सकती है। तो एक साल में, अब ये क्या है, ये कैलकुलेशन किससे निकाला गया? मैथमेटिक्स से, प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से। तो प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, उसकी हेल्प से इसको निकाला गया कि जब तीनों साथ एक चक्कर लगा रहे हैं तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आने में कितना समय लेगा या कितने समय बाद तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे
तो एक साल में कम से कम दो बार हो सकता है, और एक साल में चार से पांच बार मैक्सिमम हो सकता है। चार बार जो है आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, पांच बार हो सकता है, चार से पांच बार अधिकतम हो सकता है। फिर सर्फ, सर्फ क्या है? एक गेम है सर्फिंग, आपने देखा होगा, और टाइडल बोर, ज्वारी भित्ती। टाइडल बोर क्या होता है? समुद्र में जब ज्वार आता है, तेजी से समुद्र का जल भागता है और दूसरी वापस, और फिर वापस भी आता है अंदर ही, नीचे नीचे। तो कुछ जल का भाग तटीय क्षेत्र की तरफ आता है, कुछ तट से वापस आता है। तट से आने वाला जल जो होता है, ये आने वाली लहर को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, और जब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से यहीं से पानी उड़ जाता है इसे। तो ऐसे उसे ऊंचा ऊंचा पानी जो है आपके जल का पूरा ऐसे पलट जाता है। तो आप देखते हैं कि जाता हुआ पानी पूरा ऐसे करके ऐसे पलट जाता है, एक दीवार बन जाती है पानी की। तो जब जाता हुआ जल जब तट की ओर जाएगा, और फिर कुछ पानी वापस लौटता है, वापस लौटता हुआ जल जाने हुए जाते हुए पानी से जब टकराता है, तो जल का भाग उड़ जाता है और उठ करके एक लंबी लंबी दीवार का निर्माण कर लेता है, जल की दीवार। ऐसा लगता है कि जल की लंबी दीवार बन गई और पूरा समुद्र का जल ऐसे जो है आपके पलट जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ज्वारी भित्ती। इस दीवार को क्या कहा जाता है? ज्वारी भित्ती। और उसी जल के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्केट्स पहन करके उसी जल की पर फिसलते हैं। तो समुद्र में जाते हैं, समुद्र के जल में स्केट्स पहन करके, और जैसे ही पानी ऊपर की तरफ उठता है, वो पानी के साथ जो है ऐसे उसी जैसे लगता है कि दीवार पे फिसल रहे हो, वैसे जल के ऊपर वो फिसलते हैं। इस गेम को क्या कहा जाता है? सर्फिंग गेम। और ऐसी लहरें जो उठती हैं उनको सर्फ कहा जाता है। तो समुद्र में उठने वाली लहरें जो समुद्र जो ज्वार के समय उठती हैं, उनको सर्फ कहा जाता है। और ऊंची ऊंची लंबी लंबी अगर दीवार बन जाती है जल की, तो उसे ज्वारी भित्ती या टाइडल बोर कहा जाता है। फिर दो और इंपॉर्टेंट जो है आपके एक तरह से फैक्ट्स है, अक्सर आपको यह जानना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी तक, जब सूर्य निकलता है तो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है प्रकाश को? 8 मिनट 18 सेकंड। हमें तो ऐसा लगता है कि सूर्य निकला और फौरन प्रकाश आ गया, लेकिन ऐसा नहीं, फौरन प्रकाश नहीं आता। सूर्य से पृथ्वी तक आने में, क्योंकि जो प्रकाश की गति है, उस गति से सूर्य और पृथ्वी की दूरी को अगर आप निकालें तो निकलेगा 8 मिनट 18 सेकंड। तो पृथ्वी तक आने में समय, जो प्रकाश को आने में समय लगता है सूर्य से पृथ्वी की सतह तक आने में, वो 8 मिनट 18 सेकंड का लगता है। और सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर जा रहा है और चंद्रमा से परावर्तित होकर रात में आता है, वो कितने समय में पहुंचता है? 1.28 सेकंड में। अब इसी से तुलना कर लीजिए कि यहां पर लगभग 1.28 सेकंड लग रहा है, 1.28 सेकंड में चंद्रमा से प्रकाश आ जाता है। चंद्रमा कितनी पास है, और जबकि सूर्य कितनी दूर है? सूर्य से आने में 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड का समय लग रहा है। अब आप ये समझ लीजिए। तो ऐसे में आप देखें कि क्यों? क्योंकि दूरी कम है, 384,800 किलोमीटर ही चलना है चंद्रमा से अगर प्रकाश आ रहा है, और सूर्य से अगर आ रहा है तो कितना चलना है? 14,96,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहा है। तो 14,96,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करके सूर्य से प्रकाश आ रहा है कितनी देर में? 8 मिनट 18 सेकंड में। तो सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 18 सेकंड लगता है, जबकि चंद्रमा की सतह से सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा की सतह पर पहुंचता है परावर्तित होकर के चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो ये जो है आपके एक तरह से छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो यहां पर मिलते हैं। अब जो है यहां पर आकर के हम लोगों का जलमंडल, जो दूसरा टॉपिक था, जो दूसरा बड़ा टॉपिक था, स्थल मंडल और जलमंडल, ये दो पार्ट हम लोगों के यहां पर खत्म हुए। अब
जलमंडल का आपका टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हम लोगों का जो है एक तरह से इसी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वायुमंडल तीसरे पार्ट को, थर्ड पार्ट हम लोगों का यहीं से वायुमंडल का पार्ट स्टार्ट होगा।